हेलो दोस्तों, वेलकम माय चैनल। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं जीके के क्वेश्चंस हैं जो कि नदी, जो टॉपिक है आपका नदी से संबंधित क्वेश्चंस हैं जिसमें, और काफ़ी बार पूछे जाते हैं। तो जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे आज हम लोग इस वीडियो में सब क्वेश्चन देख लेंगे, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन है, भारत का शोक किस नदी को कहा जाता है? ये भारत का शोक कर्मनाश नदी को कहा जाता है, ठीक है। कर्मनाशा नदी है एक, जिसे भारत का शोक नदी कहा जाता है, ठीक है। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर थ्री है, बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? दामोदर नदी को कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असम का शोक किस नदी को कहा जाता है? ब्रह्मपुत्र नदी को कहा जाता है। और उड़ीसा का शोक किस नदी को कहा जाता है? ब्राह्मणी नदी को कहा जाता है, ठीक है। झारखंड का शोक किस नदी को कहा जाता है? दामोदर नदी को कहा जाता है। चीन का शोक किस नदी को कहा जाता है? हांगो नदी है, उसे चीन का शोक कहा जाता है। तेल नदी कहाँ किसे कहा जाता है, ठीक है। ये मिस्टेक हो गई है, थोड़ा देख लें तो नाइजर को कहा जाता है, ठीक है। और पीली नदी किसे कहा जाता है? वो भी हांगो नदी को कहा जाता है, ठीक है। काली या महाकाली किस नदी को कहा जाता है? वो शारदा नदी को कहा जाता है, ठीक है। विश्व की सबसे बड़ी नदी नील नदी है, जो कि जिसकी लंबाई है 6,650 किलोमीटर, ठीक है। भारत की सबसे बड़ी नदी गंगा नदी है, ठीक है। विश्व की सबसे छोटी नदी अमेरिका में है, ठीक है। विश्व में कौन सी नदी जिसमें नदी में मछली नहीं पाई जाती है? जॉर्डन नदी है, जिसमें मछलियां नहीं पाई जाती हैं, ठीक है। जल के आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? वो है अमेज़न नदी, ठीक है। और क्वेश्चन है यहाँ पे कुछ, यहाँ एक क्वेश्चन है, उस जल संभर का नाम बताएं जहाँ से भारत की सभी प्रमुख नदियाँ निकलती हैं, ठीक है। तो ये हैं, अरावली रेंज से निकलती है, पश्चिमी भारत में सह्याद्री या पश्चिमी घाट से, हिमालय काराकोरम रेंज से, और विद्या और सतपुड़ा रेंज से, मध्य भारत में छोटा नागपुर के पठार से होती निकलती हैं, ठीक है। भारत में नदियां किस सागर में बहती हैं? तो इसका उत्तर है बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से, ठीक है। उन तीन नदी घाटियों के नाम लिखिए जिन्हें हिमालय हिमनद विभाजित करते हैं, तो वो कौन सी तीन नदियाँ हैं? सिंधु नदी, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है। भारत में सबसे बड़ा नदी तंत्र कौन सा है? गंगा का नदी तंत्र सबसे बड़ा है। कौन सी भारतीय नदी बांग्लादेश में गिरती है? भारतीय नदियां जो बांग्लादेश में गिरती हैं वो तीन नदियां हैं, गंगा, मेघना और ब्रह्मपुत्र, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की नदी प्रणाली को कितने प्रमुख नदियाँ बनाती हैं? ये सात नदियाँ बनाती हैं, ठीक है। भारत में नदी प्रदूषण पर निबंध लेखन क्वेश्चन है सिक्स, यहाँ पे भारत में नदी प्रणाली बनाने वाली प्रमुख नदियों के नाम बताएं, वो कौन सी हैं? सिंधु, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, ताप्ती, नर्मदा, महानदी, ओके। भारत में नदी प्रणाली के चार वर्गीकरण के नाम बताएं, वो कौन कौन से चार वर्गीकरण हैं? हिमालय की नदी कहा जाता है, दक्षिण की नदियाँ कहा जाता है, तटीय नदियाँ और अंतर्देशीय नदी या निकासी की नदी कहा जाता है, ठीक है। अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ हैं कौन कौन सी? नर्मदा, ताप्ती और पेरियार, ये अरब सागर में गिरने वाली तीन नदियाँ हैं, ठीक है। भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? ये क्वेश्चन कई बार पूछा है, भारत की सबसे बड़ी नदी गंगा है, ठीक है। भारत की सबसे छोटी नदी अरवरी नदी है। भारत की नदियाँ जो रेत में खो जाती हैं वो कौन सी हैं? लूडी, रुपेड़, सरस्वती, घाघर, बनास और मच्छू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत में सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? साथ ही विश्व में, ठीक है। माजुली द्वीप,
माजुली ब्रह्मपुत्र नदी असम द्वारा गठित है। ठीक है, भारत में सबसे गहरी नदी घाटी कौन सी है? भागीरथी और अलकनंदा घाटी गहरी है। भारत में सबसे लंबा नदी पुल कौन सा है? यह भूपेन हजारिका सेतु है जो कि 9.15 किलोमीटर जो कि असम में है। ठीक है, ये भारत में सबसे लंबा नदी पुल है। ठीक है, भूपेन हजारिका सेतु। मुंबई में सबसे लंबा रिवर ब्रिज कौन सा है? बांद्रा बरली सी लिंक जो कि राजीव गांधी सी लिंक से नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, 2020 तक भारत में कितने रेल सह सड़क पुल थे? 16 थे। डेल्टा के बिना सबसे बड़ी नदी कौन सी है? नर्मदा। ठीक है, भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? यमुना, जिसे कई कई स्थानों पे जमुना या जमुना के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है जिसकी लंबाई 2601 किलोमीटर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन है, नदी किसे दक्षिण गंगा के नाम से नहीं सॉरी नदी किसे दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है? उसे गोदावरी नदी कहते हैं जिसे दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है आपका। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? सांगपो नदी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी पूछा गया आपका। भारत की राष्ट्रीय नदी है गंगा, किस नदी को सिंधु नदी के नाम से जाना जाता है? वो है सिंधु नदी। ठीक है, विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है। बांग्लादेश में गंगा नदी को क्या कहा जाता है? पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है बांग्लादेश में गंगा को। किस नदी ने भारत को अपना नाम दिया है? वो है सिंधु नदी। ठीक है, गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? गंगोत्री हिमनदी से होता है। गंगा नदी भारत के उत्तराखंड राज्य में पश्चिम हिमालय के गंगोत्री हिमनद से निकलती है। ठीक है, गंगा नदी किस सागर का अंत करती है? यानी गंगा नदी किस सागर में जाके उसका अंत होता है? तो वो है बंगाल की खाड़ी में गंगा नदी गिरती है। ठीक है, किस भारतीय नदी को लाल नदी के रूप में भी जाना जाता है? ब्रह्मपुत्र नदी को लाल नदी के रूप में भी जाना जाता है। नेपाल में गंगा को क्या कहा जाता है? गंडक नदी या फिर गंडकी नदी या नारायणी नदी के नाम से जाना जाता है नेपाल में। ठीक है, कोलकाता में कौन सी नदी स्थित है? हुगली नदी है। ठीक है, पटना में कितनी बड़ी नदियां हैं? 4 प्रमुख बड़ी नदियां हैं। बिहार का सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है? अमेजन बेसिन है। भारत में गंगा नदी से आच्छादित शहर कौन सा है? ये कुछ शहर हैं जो गंगा नदी के किनारे स्थित हैं, जैसे कि ऋषिकेश है, हरिद्वार है, बिजनौर है, फर्रुखाबाद है, कन्नौज, बिठूर और कानपुर। ये कुछ प्रमुख शहर हैं जो गंगा नदी के किनारे बसे हुए हैं, जिसमें जाजमऊ, प्रयागराज और वाराणसी, पटना, भागलपुर, कटिहार, मुर्शिदाबाद, फलासी और नवदीप, कोलकाता और बरानग भी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। बांग्लादेश में गंगा नदी से आच्छादित शहर कौन से हैं? बांग्लादेश में जब गंगा नदी जाती है तो उसके किनारे स्थित शहर कौन कौन से हैं? उनके भी कुछ नाम दिए हैं जो कि हैं राजशाही, ढाका और चांदपुर और चटगांव। ठीक है, गंगा की लंबाई कितनी है? गंगा नदी की लंबाई है 2601 किलोमीटर जो कि 1616 मील हो जाता है। गंगा के बेसिन का आकार कितना है? गंगा का बेसिन आकार यह है 13200 किलोमीटर। ठीक है, और यहाँ पे वर्ग मीटर में है 510,000 वर्ग मीटर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। सोंग नदी कहाँ स्थित है? ये देहरादून उत्तराखंड में स्थित है। किस नदी को यारलुंग सांगपो के नाम से भी जाना जाता है? यह है ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो के नाम से जाना जाता है। भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गोदावरी, जो कि 1465 किलोमीटर लंबाई है। ठीक है, भारत की सबसे पुरानी नदी कौन सी है? वो कि नर्मदा नदी है। भारत की सबसे खतरनाक नदी कौन सी है? विश्वामित्री नदी, जो कि मगरमच्छों से भरी पड़ी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भारत में पारदर्शी नदी कौन सी है? उमनगोट नदी है। उमनगोट नदी मेघालय के डाबकी गाँव में स्थित है। पानी इतना साफ है कि आप पानी के नीचे चट्टाने देख सकते हैं। ठीक है, किस भारतीय नदी को मृत नदी के रूप में भी जाना जाता है?
वो कौन सी नदी है? घंघर नदी है, जो कि राजस्थान में, ठीक है। क्या भारत में कोई ऐसा राज्य है जहाँ कोई नदी नहीं है? नहीं, सभी भारतीय राज्यों में नदियाँ बह रही हैं, ठीक है। भारत में सबसे तेज बहने वाली नदी कौन सी है? तीस्ता नदी है, जो कि सिक्किम और पश्चिम बंगाल में स्थित है, ठीक है। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तांगसी नदी है, जो कि एशिया की सबसे लंबी नदी है। किस राज्य को नदियों का मायका कहा जाता है? यानी कि मध्य प्रदेश को बोला जाता है, यहाँ पे नदियों का मायका बोला जाता है, ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी का जन्म स्थल कहाँ से है? यह हिमालय से संबंधित है। गंगा नदी की सहायक नदियाँ हैं कौन कौन सी हैं? ब्रह्मपुत्र है, चंदन है, बूढ़ी गंडक है, दामोदर गंडक, फागु, गुर्गा, करुल, घंघर, पुनपुन, गोमती, रूपनारायण, कोसी, सोन, महानंदा, यमुना और रामसागर। भारत में सर्वाधिक नदियों वाला राज्य कौन सा है? वो है आंध्र प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी का क्या नाम है? सिहांग और दियांग भी बोला जाता है, ठीक है। किस देश में कोई नदी नहीं है? वो है कौन सा देश है? सऊदी अरब है, ठीक है। सऊदी अरब में कोई भी नदी नहीं है। किस नदी को बंगाल का अशोक कहा जाता है? दामोदर नदी को कहा जाता है। किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है? गोदावरी को जाना जाता है। किस भारतीय नदी को बिहार का अशोक कहा जाता है? कोसी नदी को कहा जाता है। भारतीय नदी जो कर्क रेखा को दो बार काटती है कहा है, कौन सी नदी है? माही नदी है, ठीक है। गंगा की दो प्रमुख धाराएं कौन सी है? भागीरथी और अलकनंदा है। किस भारतीय नदी को नामक नदी कहा जाता है? लूनी नदी को उर्फ लावड़ी वाली कहा जाता है, ठीक है। सरकार द्वारा कितनी भारतीय नदियों को प्रमुख नदियों के रूप में वर्गीकृत किया गया? 12 नदियाँ हैं, कौन कौन सी हैं? वो गंगा, नर्मदा, यमुना, सरस्वती, कावेरी, गोदावरी, प्राणहिता, कृष्णा, भीम, ताप्ती, तुंगभद्रा और सिंधु नदी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। नदी को निम्न में से सिंगी खम्बन के नाम से जाना जाता है? सिंधु नदी को जाना जाता है। गंगा नदी को हेलेनिक प्राचीन लूनानी में क्या कहा जाता है? गंगा कहा जाता है। पांच नदियों की भूमि कहे जाने वाले राज्य का नाम क्या है? पंजाब। भारत में नर नदी कौन सी है? भारत में नर नदी ब्रह्मपुत्र नदी को कहा जाता है, ठीक है। किस नदी को सूर्य की पुत्री कहा जाता है? यमुना नदी को सूर्य की पुत्री कहा जाता है। भारतीय नदियों के उपनाम, जो कि बिहार का दर्द कहा जाता है कोसी नदी को, असम का शोक कहा जाता है ब्रह्मपुत्र नदी को, ब्रदा गंगा कहा जाता है गोदावरी नदी को, और बंगाल का शोक दामोदर नदी को, उड़ीसा की व्यथा महानदी को कहा जाता है, शेर का मुँह सिंगू नदी को कहा जाता है, केरल की जीवन रेखा पेरियार नदी को कहा जाता है, दक्षिण गंगा गोदावरी नदी को कहा जाता है, सिक्किम की लाइफ लाइन तीस्ता नदी को बोला जाता है, वहीं गोवा की जीवन रेखा मंडोवी नदी को कहा जाता है, और लावड़ती लूनी रिवर को कहा जाता है, ठीक है। राजस्थान राज्य में बहने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है? चंबल नदी है। राजस्थान की सबसे लंबी और एकमात्र नदी कौन सी है जो वर्ष भर बहती है? चंबल नदी है। भारत में सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है? गंगा बेसिन है। तिब्बत में किस नदी को शेरों का मुँह कहा जाता है? वो सिंधु नदी को कहा जाता है। कौन सी नदी भारत में मीठे पानी का डॉल्फिन का निवास है? गंगा नदी में डॉल्फिन का निवास है। उत्तर प्रदेश में कितनी नदियां हैं? 31 नदियां उत्तर प्रदेश में हैं। ताजमहल के निकट बहने वाली नदी कौन सी है? यमुना नदी है। स्रोत और प्रमुख नदियों की लंबाई देख लेंगे हम। कुछ नदियां हैं जिनकी लंबाई दी गई है किलोमीटर में, जैसे कि यहाँ पे देखेंगे सिंधु नदी की लंबाई है 3180 किलोमीटर, ब्रह्मपुत्र की है 3080 और गंगा की 2601, गोदावरी 1465, कृष्णा 1400 किलोमीटर, यमुना 1376 किलोमीटर और नर्मदा 1312 किलोमीटर। गोदावरी को 900 किलोमीटर देख सकते हैं, महानदी को 858 किलोमीटर देख सकते हैं, वहीं कावेरी 805 और ताप्ती 724, तीस्ता 315 और मेघना 264, ठीक है। भारत में पूर्व की ओर बहने वाली प्रमुख नदियों के नाम बताएं जो पूर्व की ओर बहती हैं, ठीक है। कौन कौन सी हैं? गंगा, ब्रह्मपुत्र, बेगई, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी और पेनेरू और स्वर्णरेखा नदी हैं। पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों कौन कौन सी हैं? सिंध, सरावती और घग्गर, लूनी, पंपा, पेरियार और
भरथप्पा, थप्पुजा और नर्मदा ताप्ती साबरमती माही, ठीक है। भारत में सबसे बड़ा, सबसे ऊंचा और सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? टिहरी बांध है। भारत में किस नदी पर सबसे ऊंचा बांध है? भागीरथी नदी पर है। भारत में सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध जो कि 25.8 किलोमीटर है। भारत में किस नदी पर सबसे लंबा बांध है? महानदी नदी पर है। भारत में सबसे पुराना बांध कौन सा है? कल्लाई बांध है, ठीक है। किस भारतीय नदी का सबसे पुराना बांध? कावेरी नदी का है। भारत में सबसे अधिक बांध किस नदी राज्य में है? महाराष्ट्र में है जो कि 1821 से अधिक है बांध, ठीक है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी और दक्षिणी गंगा है। भारत में सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा बांध किस राज्य में? उत्तराखंड में है। लक्ष्मण झूना पुल किस नदी पर है? गंगा नदी पर है और ये उत्तराखंड में स्थित है, ठीक है। किस नदी को सागरमती के नाम से जाना जाता है? लूनी नदी को सागरमती के नाम से जाना जाता है। गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है? नासिक महाराष्ट्र से निकलती है। ब्यास नदी कहाँ से निकलती है? ये रोहतक ला से निकलती है। वैकल्पिक नदी का नाम क्या है? यहाँ पर कुछ नदियाँ हैं जो कि उनके पुराने नाम हैं और वर्तमान में जो नाम है वो दिखाया गया है यहाँ पे, जैसे कि सिंधु नदी, तब इसे सिंधु बोला जाता था। झेलम को बितिस्ता बोला जाता था पुराने टाइम में, वेदों के टाइम में। ब्रह्मपुत्र नदी को देहांग सांगपो नदी बोला जाता है। कृष्ण नदी को कृष्णवेणा बोला जाता है। चेनाब नदी को अस्कनी बोला जाता है। लूनी नदी को लवणता, सागरमती, ब्यास नदी को बिपाशा और सतलज नदी को शताब्दी, नर्मदा नदी को नेरबुड्डा, रीवा नदी को परुरुशनी, चम्बल नदी को चमरवती बोला जाता था। कोशी नदी को सप्तकोशी कहा जाता था। घगरा नदी को करनाली कहा जाता था। गंडक नदी को काली गंडकी कहा जाता था। वेतवा को वेतरावित्री बोला जाता था, ठीक है। अच्छा, एक बात और बोलना चाहूँगा, जो भाई मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, ठीक है। और जो भाई मेरे जीके की सीरीज़ को देख रहे हैं तो पुरानी वीडियो जो है दर्रा की, यानी कि अभी रोहतक दर्रा की बात की है, तो दर्रे से याद आया कि मेरी जो एक पुरानी वीडियो बनी है जीके की, एक टॉपिक है इम्पोर्टेंट जो कि दर्रे से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो आप लोग जाके ज़रूर देख लें, ठीक है। रोहतक उसमें पूरा दर्रे डीपली से बताया गया है कौन सा दर्रा कहाँ पे स्थित है और विद ट्रिक से, जो कि एक बार में आपको याद हो जाएगा, ठीक है। आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं और वीडियो अगर पसंद आए तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं, तो आप लोगों के लिए आगे भी वीडियो किसी टॉपिक पे आएगी जो टॉपिक आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला होगा। ओके, जय हिंद भाइयों।